और बड़ी खबर उत्तरकाशी से है। यहाँ मूसलाधार बारिश हुई है, हीना के पास बादल फटने की खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ गया है जिससे यातायात रुक गया है। फिलहाल जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें उत्तरकाशी मुख्यालय में ही रोका जा रहा है। डीआरओ की मशीन मौके के लिए रवाना हो गई है। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना आई है और इसकी वजह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां मलबा आ गया है, वो पूरी तरह से मार्ग बाधित हो गया है। तो अभी चार धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है। 29 कोर्स के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, तो ऐसे में ये चार धाम यात्रा में बारिश का खलल पड़ना शुरू हो गया। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री की जो यात्राएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो फिलहाल यहां पर बीआरओ की मशीनें रवाना हुई मौके के लिए और मलबा हटाने का काम यहां पर किया जाएगा। तो जो भी वाहन यहां से गुजर रहे हैं उन्हें उत्तरकाशी मुख्यालय पर ही रोका जा रहा है क्योंकि मलबा आने से सड़क बाधित हो गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बादल फटा है यहाँ और इसकी वजह से जो मलबा था वो पूरी तरह से सड़क पर आ गया। सुभाष बड़ोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। तो सुभाष बताएं यहाँ पर क्या स्थिति है और कितनी यहाँ पर बारिश हुई है। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं क्योंकि जिला मुख्यालय में बारिश नहीं हुई लेकिन जो गंगोत्री वाला इलाका है वहां पे मूसलाधार बारिश हुई जिसके चलते कि भरभर आकर जो पहाड़ी से मलबा आया उससे राजमार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। दो जगह पे राजमार्ग बंद है। हालांकि बीआरओ के अधिकारी और आपदा प्रबंधन अधिकारी कह रहे हैं कि एक जगह से मलबा हटा लिया गया है और दूसरी जगह से आधा घंटे में मलबा हटा दिया जाएगा। एहतियातन के तौर पे जो गंगोत्री जाने वाले यात्री हैं उनको जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में रोका जा रहा है और जो उत्तरकाशी की ओर आने वाले हैं उनको भटवाड़ी में ही रोका जा रहा है। जी, तो फिलहाल यहाँ पर कितने लोग सुभाष फंसे हुए हैं, क्या यहाँ पर अभी कितना वक्त लगेगा, कोई काम शुरू हुआ है क्या? जी प्रीति, देखिए हालांकि 18 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए थे तो धीरे धीरे जो यात्रा है वो अपने चरम पर चल रही है जिसको देखते हुए कि आज दोनों तरफ यात्रियों को रोका जा रहा है ताकि कोई असुविधा का सामना उनको न करना पड़े। और जो बीआरओ की मशीनरी है वो लगातार वहां से मलबा हटाने में जुट गई है एक जगह। हालांकि नेताला से उन्होंने राजमार्ग पर आवाजाही शुरू कर ली है लेकिन जो मनेरी हिना वाला क्षेत्र है वहां पे अभी भी मलबा है और वहां से मलबे को हटाया जा रहा है। तो सुभाष यही जानना चाह रहे थे आपसे कि कितने लोग फंसे हैं यहाँ पर, क्या अभी फंसी है गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं और अगर हैं तो उसके लिए इंतजाम क्या किए गए हैं यहाँ? जी देखिए, हालांकि जो गंगोत्री धाम दर्शन करके वापस लौट रहे हैं उनकी तो उतनी ज्यादा तादाद नहीं है लेकिन जो यमुनोत्री से गंगोत्री धाम को जाने वाले जो चार धाम यात्री है उन सारे यात्रियों को उत्तरकाशी मुख्य बाजार में ही रोका जा रहा है और रामलीला मैदान में उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है जहाँ पर की पुलिस के जवान लगातार तैनात है और उनको वहाँ पे पार्क किया जा रहा है। चलिए शुक्रिया सुभाष। तो ये जो घटना है की तस्वीरें आप देख सकते हैं, फिलहाल बाधित हुई है यात्रा पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है लेकिन प्रकृति ने अपना व्यवधान डालना यहाँ पर शुरू कर दिया है। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर है जहां मलबा आ गया। शुक्रिया सुभाष आपका जानकारी के लिए।